बाराती बस से मोबाइल चोरी करने और नगद उड़ाने के आरोप में ग्रामीणों ने लोहरदगा के बंगड़ू निवासी एक युवक को गुमला के केओ कॉलेज के समीप पकड़ा। इसके बाद करीब एक घंटे तक रस्सी से बांध कर रखा, फिर गुमला पुलिस को सूचना देने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बताया जाता है कि लोहरदगा के बंगड़ू निवासी प्रीतम महतो ने कलेगा की एक युवती से प्रेम विवाह किया है। दोनों साथ में रहते हैं। वह अपनी पत्नी के साथ कलेगा आया था। पड़ोस के संदीप गोप ने प्रतिम और उसकी पत्नी दोनों को अपने साथ ससुराल शादी में बाराती ले गया, जहां से लौटने के क्रम में बस से ही प्रीतम ने एक मोबाइल और 5,000 चोरी कर ली। जब बाराती गाड़ी निश्चित जगह पर पहुंची तो देखा कि मोबाइल और पैसा गायब है। मोबाइल अरविंद नामक व्यक्ति का था। काफ़ी खोजबीन के बाद भी मोबाइल और पैसा नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने शक के आधार पर प्रीतम को पकड़ा और जाँच के क्रम में उसके पॉकेट से मोबाइल बरामद हुआ, जिसके बाद उसे रस्सी से बांध कर रखा गया और गुमला पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी विनोद कुमार के निर्देश पर SI अरुण पांडे मौके पर पहुंचे और आरोपी प्रीतम को हिरासत में ले लिया है। वहीं थाना प्रभारी ने रविवार को बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, इसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी। प्रीतम मातो कहाँ घर है? जोर से बोलो। बांदी बगड़ू। अच्छा, चैनकोपा जो रास्ता आता है रास्ता में। हाँ अच्छा, तुम क्या करने आए थे? गुमला मेरे वाइफ को लेके जा रहे थे। उसका दीदी घर। कहाँ दीदी घर है? इसका तो दीदी गांव का कहें थी सालों से बैगमा जा रहा था जी। तो यहाँ रांची जाएंगे बोल के आए थे। यहाँ दो दिन मेरा मम्मी पापा नहीं रखने था दे, इसलिए आए थे वहाँ। पता चला कि लोग फोन में बात किए कि वैसा ऐसा बात है, आके मोबाइल पहुँचा तो हम पहुँचा दिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।